हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। आज हम बनाने वाले हैं मलाई से चॉकलेट फ्लेवर का सूजी का केक, और इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे। साथ में इसे आज हम पतीले में बेक करने वाले हैं। तो आप देखिए कितना बढ़िया और स्पंजी सा हमारा जो केक है वो बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे एक छोटा सा पतीला ले लिया है। आज मैं इसी में जो है अपने केक को बेक करने वाली हूँ। आप कोई भी बर्तन या मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उस कटोरी या टिफ़िन को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने एक तेल से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है एक बटर पेपर का टुकड़ा लगा देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सिंपल पतला कागज़ लगा सकते हैं जो वाइट कलर का हो। और इसके बाद जो है मैंने देखिए यहाँ पर फ्रेश मलाई ली है। ये घर की मलाई है जो कि हम लोग दूध से निकालते हैं। तो आधा कप हमने मलाई ली है। इस मलाई को हमें अच्छी तरीके से फेंटना होगा। तो जब इस मलाई को आप फेंटेंगे तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ये एकदम लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा जैसे कि दूध होता है, या फिर ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा जैसे कि आज मेरे साथ हुआ है। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने जो मलाई से केक बनाया था उसमें वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन आज ये मलाई जो है कुछ इस तरह की हो गई है। तो ये टेम्परेचर के कारण होता है और शायद ये दूध के कारण होता है। कई बार का दूध कैसा आता है। तो ये जो मलाई है वो भी बिल्कुल ठीक है। आप जब इसे मस लेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ सी रहेगी और इस मलाई को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ये सूजी ले ली है, और ये बिल्कुल महीन दाने वाली सूजी है। और एक कप मैंने सूजी ली है, तो इसमें हम 200 ml दूध यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले 150 ml दूध डाल दिया है। एक बार में सारा दूध हम नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके हम इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास महीन दाने वाली सूजी ना हो तो आप उसे मिक्सी में भी चला के ले सकते हैं। और अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और अब हम इसे कवर कर देंगे एक प्लेट से और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि जो सूजी होती है वो फूलती है, और फूलने के बाद ये क्या करेगी कि सारा का सारा जो दूध है वो पी जाएगी। तो देखिए ये सारा का सारा दूध पी गई है, और अब ये जो है बिल्कुल थिक हो चुकी है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि पहले चीनी डालना है। तो यहाँ पर हम इसमें आधे कप चीनी डालेंगे। हमें सबसे पहले इसमें चीनी ही डालना है, दूध नहीं डालना है, भले ही जो बैटर हो वो काफ़ी थिक हो। क्योंकि जब आप चीनी डालेंगे तो इसके बाद चीनी पानी छोड़ेगी और जो ये बैटर है काफ़ी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर अगर ज़रूरत होगी तब हम इसमें दूध डालेंगे। तो अभी आप देखिए काफ़ी लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। जैसे जैसे चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से, काफ़ी लिक्विड फॉर्म में ये जो हमारा बैटर है वो आ जाएगा। तो अब जो है हम इसमें चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए कोकोआ पाउडर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1/8 कप कोकोआ पाउडर डाला है। और इसके बाद जो मेरे पास बाकी का बचा हुआ दूध है वो मैं इसमें सारा का सारा डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसे सिंपल फ्लेवर का भी बना सकते हैं। चॉकलेट की जगह पे आप यहाँ पे वेनिला एसेंस डाल सकते हैं, तो वेनिला फ्लेवर का भी केक बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से और जिस मेथड से आज मैंने ये केक बनाया है ये बहुत ही बढ़िया बना है। और यकीन मानिए अगर आप इस केक को बनाएंगे तो घर में ये सभी को पसंद आने वाला है और इसका एक पीस भी नहीं बचने वाला है। क्योंकि मेरे घर में भी यही हुआ, जब मैंने इसे बनाया तो सब ने इसे चट कर लिया। तो आज मैं इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पे इनो डाला है। तो यहाँ पर हम 1 पैकेट जो इस तरह का आता है हम इसे डालेंगे। और ये एकदम लेमन फ्लेवर का है, इसमें कोको फ्लेवर यूज़ नहीं करना है जो कोको कोला वाला आता है, या फिर कोई फ्लेवर वाला यूज़ नहीं करना है। इसमें हम लेमन फ्लेवर वाला जो इनो आता है वो यूज़ करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है बैटर वो हो गया है एकदम फ्लफ़ी सा, लाइट सा, फुला फुला सा हो गया है। तो ये जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे जो है मोल्ड में डालेंगे। तो अगर आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर इस रेसिपी में डलेगा 1 TSP और बेकिंग सोडा इसमें डलेगा 1/4 TSP। तो अब हम इसे जो है अपने पतीले में डाल देते हैं। इसको हमने पहले से ही ग्रीस्ट करके लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा रेसिपी को बना करके, और मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।
तो देखिए हमने इसे भर लिया है, लेकिन पूरी तरह हमने इसे भरा नहीं है, क्योंकि सूजी का केक बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलता है क्योंकि हम इसे पहले ही दूध में भिगो चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे थोड़ा पकने के लिए ऊपर से छोड़ना होगा। तो अब मैंने एक कढ़ाई में स्टैंड रख दिया है और इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। जब ये कढ़ाई जो है गर्म हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें जो है पतीले को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से हम इसमें कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैं यहाँ पे आज थोड़े से बादाम डाल रही हूँ इस तरह से क्रश किए हुए, और इसके बाद दोबारा से इसे कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे पका लेंगे। तो अब देखिए आप जो हमारा केक है वो अच्छी तरीके से फूल गया है, बेक हो गया है, बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया है और जो ड्राई फ्रूट थे वो सारे के सारे इसके अंदर चले गए हैं। तो एक स्टिक की मदद से आप इसे चेक कीजिए, अगर वो क्लीन है तो जो हमारा केक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो गया है। ठंडा होने के बाद ही आप किसी भी केक को निकालिए, क्योंकि अगर आप ठंडे होने के पहले निकाल देंगे गरम गरम में तो वो टूट सकता है। तो आराम से आप इसे निकालिए। इसके बाद जो इसका बटर पेपर है उसे हम हटा देंगे और जो केक है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है। ऊपर से हम इस तरह से कटे हुए इसमें बादाम डाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हम एक और नई नई रेसिपी के साथ।